नमस्कार साथियों, मैं दिल्ली से शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे कि आज मैं आपको बताने वाला हूं ब्लैक फंगस के बारे में, क्या है इसके लक्षण और हम इससे कैसे बच सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके हमारी मेहनत को सफल करें। आशा करता हूं कि आप सब एकदम कुशल मंगल हो गया, अगर नहीं भी है तो आप जल्दी हो जाए, बस भगवान से मेरी यही प्रार्थना होगी। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक फंगस के बारे में और इस पे बात करेंगे कि इसने कहाँ कहाँ पैर फंसाना है। तो गाइस मैं आपको ये बता दूं कि ये 12 राज्यों से ज्यादा में फैल चुका है, 12 राज्य मतलब एक दर्जन राज्य से ज्यादा में पैर फैला चुका है, जिसके बाद कुछ कुछ राज्य की सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दी है। ठीक है, दिल्ली में 200 से ज्यादा केसेस आए हुए हैं और जिसमें राजस्थान में 750 से ज्यादा मरीज है। तो अब हम इस पे बात करेंगे कि ये ब्लैक फंगस का लक्षण और हम इससे कैसे बच सकते हैं, जो ब्लैक फंगस है इसके क्या लक्षण है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो जिन्हें ये होता है उनका साइनस प्रॉब्लम होता है, बुखार आता है, नाक बंद हो जाता है, नाक की हड्डी में दर्द होता है और नाक में काला सा खून, हल्का हल्का ब्लडिंग होने लग जाता है, मतलब खून निकलने लग जाता है, आंखों में सूजन आ जाती है, धुंधला दिखने लग जाता है, सीने में हल्का दर्द का एहसास होता है। ये लक्षण एक तरह का क्या आप जैसे बोलते हैं उसे फंगल इन्फेक्शन होता है, जो मतलब कि फंगल इन्फेक्शन एक तरह से ये हो सकता है जैसे कि साफ सफाई से, जहाँ पे साफ सफाई ना हो, नमी हो ज्यादा, आप साफ सफाई ना करते हो किसी भी बॉडी पार्ट में, जैसे कि हाथ हो गया, इन दोनों के बीच में कुछ गैप्स हो जाते हैं तो इनमें फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, और भी कई सारे पार्ट्स है। तो अब हम इस पे बात करते हैं इसको हम कैसे रोक सकते हैं, हम इससे कैसे बचें। गाइस इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जिनको इम्यूनिटी सिस्टम कम होता है, जिनका कमजोर होता है, उनको ये सब में ज्यादा असर कर सकता है और उन्हें हो भी सकता है। जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर से देख के, मैं आपको सारी चीजें एक एक करके बता रहा हूँ। अगर आपके सामने मैं वेबसाइट की लिंक दूंगा तो आप उसमें पढ़ेंगे, आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं इसमें से देख के आपको एक एक छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें जितनी भी होती है वो सारी चीजें बता रहा हूँ। और इसमें गाइस जिनको शुगर ज्यादा है उनको ये शुगर अपना मेंटेन करना चाहिए, और ब्लैक फंगस से आप कैसे बच सकते हैं इस पे एकदम सही टॉपिक पे एकदम मुद्दे पे आते हैं। कोविड से ठीक होने वाले जिन्हें कोरोना वायरस हो गया था और वो ठीक हो जाते हैं, तो उनमें कुछ ऐसे डोज या ऐसे इंजेक्शन दिए जाते हैं जिनसे उनका इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाता है और शुगर लेवल हाई होने के 99% चांस होते हैं। शुगर लेवल चेक करें, डायबिटीज के लोग हैं तो अपना शुगर लेवल या जो भी आपका ब्लड प्रेशर है उन्हें नॉर्मल पे लाएं, और इम्यूनिटी सिस्टम की दवा जो होती है जैसे कि विटामिन सी की कैप्सूल वगैरह हो जाते हैं जो इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है, इसका मिसयूज ना करें, और लगातार पानी पीते रहें। गाइस आप ये समझना, मैं भी समझता था कि पानी पीने से कुछ नहीं होता, लेकिन आप पानी पियेंगे आपको खुद पता चल जाएगा, खुद को खुद आपका फेस ग्लो, आपको बहुत सारी चीजें पानी से बहुत फायदा होता है, बस पानी पीते रहें और घर में रहें, प्रॉपर मास्क लगा रहें, कहीं जाते हैं तो 2 गज दूरी है जरूरी। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।